पर रत्न भंडार आज खुलने वाला है। क्या कुछ खास बातें इसकी हैं और कितने बजे ये भंडार खुलेगा, देखिए। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ धाम यानी धरती का वैकुंठ। जगन्नाथ धाम यानी श्री क्षेत्र। जगन्नाथ धाम यानी लोकनाथ की धरती। और जगन्नाथ धाम यानी आस्था और रहस्यों का संगम। पुरी का जगन्नाथ मंदिर और उसका रत्न भंडार हमेशा से श्रद्धालुओं के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। हमेशा से भक्तों की भी जगन्नाथ जी के भंडार की चर्चा होती है। उनका भंडार लोगों की जुबान पर रहता है, लेकिन ये भंडार करीब 4 दशकों से बंद है। लेकिन अब भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भक्तों का लंबा इंतजार खत्म होने वाला है और भगवान जगन्नाथ मंदिर का रहस्यमय खजाना आज खुलने वाला है। पुरी के विश्व विख्यात इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के आभूषण है। कहा जाता है कि कई राजाओं और भक्तों ने भगवान को जेवरात चढ़ाए थे। उन सभी को रत्न भंडार में रखा जाता है। इस रत्न भंडार में मौजूद जेवरात की कीमत बेशकीमती बताई जाती है। सबसे अहम बात यह है कि आज तक इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। जगन्नाथ मंदिर का यह रत्न भंडार 2 भागों में बटा हुआ है। पहले को भीतरी भंडार कहा जाता है, दूसरे को बाहरी भंडार। बाहरी भंडार में भगवान को अक्सर पहनाए जाने वाले जेवरात रखे जाते हैं। वहीं जो जेवरात इस्तेमाल में नहीं लाए जाते उन्हें भीतरी भंडार में रखा जाता है। रत्न भंडार का बाहरी हिस्सा तो खुला है, लेकिन भीतरी भंडार नहीं खुला जा सका। अब सभी को इसी रत्न भंडार के खुलने का इंतजार है। भगवान का के खजाने में जो धन है उसकी गणना होनी परम आवश्यक है। 1978 के बाद से ये गणना नहीं की गई है और बहुत जरूरी है कि समझ लें कि क्या धन वहाँ उपस्थित है और उस धन का उपयोग आज सनातन धन के धर्म के उद्धार के लिए किया जाना चाहिए। तो कहूँगा उसको गणना करें और उसके बाद उसका उपयोग भी सनातन धर्म के विकास के लिए, वेद अध्ययन के लिए और समाज के उद्धार के लिए किया जाना चाहिए। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के चरणों के नीचे बना एक तहखाना है। इस तहखाने में ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की कीमती आभूषण और खाने पीने की कीमती बर्तन रखे हुए हैं। अब ये सवाल सबके जहन में है कि आखिर ये रत्न भंडार खुलेगा कैसे। दरअसल जगन्नाथपुरी मंदिर के खजाने की चाबी पुरी के कलेक्टर के पास होती है। हालांकि चाबी के गुम होने के बाद से 6 साल बीत चुके और भंडार नहीं खोला जा सका है। खजाने को खोलने के लिए उड़ीसा सरकार से इजाजत लेनी होती है। जो भी खजाने देखिए, 46 साल बाद रत्न भंडार जो है वो खुलता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात कि आरबीआई और इसके अलावा पुरातत्व विभाग की टीम भी वहां पर मौजूद रहने वाली है। बिल्कुल, और समय भी निकाल लिया गया है। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।